नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, यूपी में काबा। जी हाँ, ये गाना तो आपने सुना होगा और इस गायिका को भी आप भली भांति जानते होंगे। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह राठौर की। जी हाँ, जो इस गाने के बाद खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि वाद विवाद तो चलता रहा, लेकिन नेहा सिंह राठौर को इस गाने के बाद बहुत शोहरत मिली। लेकिन अब एक बड़ी खबर निकल कर आई है। बताया जा रहा है कि नेहा सिंह राठौर की शादी हो चुकी है। हालांकि मंगनी उनकी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अब 21 जून को उनकी शादी भी हो गई है। हालांकि ये शादी मीडिया से दूर रखी गई, यानी कि ताम झाम ये सब नहीं किया गया, बल्कि बहुत साधारण तरीके से और सबसे छुप छुपा के शादी की गई है। और इसका जो आधिकारिक घोषणा भी है वो नहीं किया गया है। लेकिन आपको बताते चले कि उन्होंने इससे पहले जो इंगेजमेंट है, सगाई जो है, हिमांशु सिंह से की थी। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये उनके पति हैं, अब पति हो गए हैं, क्योंकि 21 जून को इनकी शादी हो चुकी है। और इनकी शादी लखनऊ के एक पार्क में हुई है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश और बिहार के विधानसभा चुनाव में अपने गीतों को रिलीज कर चर्चा में आने वाली सिंगर नेहा सिंह राठौर अब यूपी की बहू बन चुकी है। नेहा ने 21 जून को अंबेडकर नगर के रहने वाले हिमांशु सिंह से शादी की है। हालांकि शादी को मीडिया से और लाइट कैमरा एक्शन वाली चीज़ों से दूर रखा गया है। सिंगर नेहा सिंह राठौर पहले बिहार और फिर यूपी विधानसभा में तब चर्चा में आई थी जब उन्होंने बिहार में काबा और फिर यूपी में काबा गाना गाकर धूम मचा दी थी। नेहा ने अपने गानों के जरिए पहले नीतीश कुमार और फिर योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला था। इस दौरान नेहा सिंह राठौर को गाने के जरिए जवाब भी दिया गया था। ये जवाब कोई और नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर, जो खुद एक लोक गायिका है, उन्होंने दिया था। आपको बताते चले कि यूपी और बिहार विधानसभा चुनाव में अपने गाने के जरिए प्रशासन और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली नेहा सिंह राठौर की शादी हो गई है। नेहा और हिमांशु की शादी लखनऊ के नीलांश थीम पार्क में हुई है। अगर हम बात नेहा की करें तो नेहा का जन्म 1997 में बिहार में ही हुआ था। वो कैमूर जिले के जलदाहा गाँव की रहने वाली है। और यूपी में काबा से पहले नेहा ने भोजपुरी में कोरोना पर जागरूकता का एक गाना भी गाया था। इस गाने ने भी सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। नेहा भी सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती है, लगातार लाइव भी आती है, अपने प्रशंसकों अपने दर्शकों से लगातार मुखातिब होती है, बातें करती है। अब इंतज़ार है दर्शकों को उस घड़ी का कि इस बार नेहा सिंह राठौर यूपी के बहू के रूप में कब लाइव आएंगी। जी हाँ, क्योंकि इससे पहले जब वो लाइव आती थी तो बिहार की बिटिया के रूप में आती थी और लोगों से बात करती थी। अब लोगों को इंतज़ार है क्योंकि अब नेहा सिंह राठौर यूपी की बहुड़िया बन गई है, तो अब अपने पति के साथ कब लाइव आती है और ये जो जानकारी है शादी की, जो खुशखबरी है, कब लोगों के साथ साझा करती है, शादी की जो तस्वीरें हैं वो कब लोगों के साथ साझा करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।